ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। काफी समय से बुलंदियों को छूने वाला सहारा अब विवादों के घेरे में आ गया है। इसमें काम करने वाले लोग और इसके निवेशक कई समय से सहारा के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं और साथ ही साथ इसके चेयरमैन सुब्रत रॉय पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चरण सिंह राजपूत मौजूद हैं, जो काफी समय से सहारा ग्रुप से भी जुड़े रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इतने समय से सहारा से जुड़े रहे हैं, तो इसके खिलाफ आंदोलन करने के क्या कारण रहे? काव्या, मैं बताऊं आपसे, मैं सहारा में लंबे समय तक मैंने काम किया है। सहारा में जो निवेशक हैं, जो एजेंट हैं, सुब्रत राय जो सहारा के चेयरमैन हैं, उनके प्रति उनके मन में देशभक्ति थी। और मैंने देखा है सहारा शहर लखनऊ में कि 2-3 किलोमीटर तक सुब्रत राय के पैर छूने के लिए लाइन लगी रहती थी। वो लोग आज जो यदि आंदोलन कर रहे हैं और वो पीड़ित हैं, तो उसका बड़ा कारण ये है कि सुब्रत राय ने एक प्री प्लानिंग से पैसा जमा किया और पैसा वापस नहीं दिया। और आज देखा ये जा रहा है कि सुब्रत राय वो तो घूम रहे हैं, मौज मार रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, उनका प्रबंधन जो है वो लगातार मजे मार रहा है, लेकिन जो निवेशक हैं, जो एजेंट हैं, जिन्होंने सहारा को बुलंदी पर पहुंचाया है, वो आज पीड़ित हैं। और काव्य, जानकर आश्चर्य होगा आपको कि 1300 एजेंट जो हैं, उन्होंने देश भर में आत्महत्या की है। और वो लोग लगातार जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, मेरे संपर्क में है, जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिदेव शुक्ला, ठगी पीड़ित परिवार है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मदन लाल आज़ाद, और संयुक्त उपकार मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र दिवाकर। ये लोग लगातार मेरे संपर्क में हैं। उन लोगों का ये कहना है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया निवेशकों का, एजेंटों का सारा इंडिया पर है। और वो लोग बोल रहे हैं कि एजेंट अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। और अभी हाल में झारखंड में एक एजेंट के यहाँ एक निवेशक ने तोड़फोड़ कर दी, एक डर का माहौल एजेंट का। तो ये सब कारण है काव्या, जो सहारा में आंदोलन चल रहा है। जैसा आप बता रहे हैं कि 6 साल की पैरोल पर हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन की कमी है या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए काव्या, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते ये कह सकता हूँ कि ये सीधा सीधा न्यायपालिका पर ये सवाल है। इस देश में एक आम आदमी को 2 दिन की पैरोल नहीं मिलती है। एक आम आदमी कितने बड़े संकट में हो, उसे पैरोल में दिक्कत हो जाती है। ये कैसा कानून है देश का? सुब्रत राय 6 साल से पैरोल पर है। और सुब्रत राय न्यायपालिका ही नहीं, सुब्रत राय जितने भी तंत्र हैं देश के, जो संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका रहो, विधायिका हो या मीडिया हो, सारे तंत्रों को ठेंगा दिखा रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश भर में इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद, देश भर में हजारों FIR दर्ज होने के बावजूद, लगातार एजेंटों के आत्महत्या करने के बावजूद, देश का मीडिया जो है वो सुब्रत राय और सहारा के खिलाफ कुछ दिखाने और छापने को तैयार नहीं है काव्या। ये जो आप आंदोलन चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि किस किस तरह के काम इस आंदोलन के जरिए किए जा रहे हैं? काव्या, जहाँ तक मेरी बात है, मैं बताऊँ आपसे, मैं लगातार जो सहारा में शोषण हुआ है, जो उत्पीड़न हुआ है, जो कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है, जो सहारा में का जो तिलिस्म है, सहारा ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए जो अपने धंधे को आगे बढ़ाया है, सहारा ने जो कारगिल में हम शहीद हुए थे सैनिक, उनके परिजनों के की मदद के नाम पर अपने ही कर्मचारियों को ठगा है, सहारा में जो कर्मचारियों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और जो कुव्यवस्था है, उस पर मैंने लगातार लिखा है। और आज यदि देश भर में सहारा के खिलाफ एजेंट है, आप स्थिति देखिए देश में, एजेंट मैं तो जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को, जिन लोगों ने, निवेशकों ने अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा जमा कराया, जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जमा कराया, वो लोग आज
अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा में एक व्यवस्था थी काव्य में, बताऊँ तुम्हें कि एक यदि आपकी मैच्योरिटी पूरी होती है, एक समय पूरा होता है आपके पैसों का, तो दूसरे मद में एक लालच देकर वो पैसा डलवा दिया जाता था। और आज स्थिति ये है कि कितने निवेशक ऐसे हैं जिनके 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक एक एक आदमी का पैसा बकाया है, और आंदोलनकारियों का तो यहाँ तक कहना है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर निवेशकों का सहारा इंडिया पर बकाया है। और सुब्रत राय जो है वो कई बार उन्होंने बोला कि हमने पाई पाई चुका दी है, सेबी सारा का विवाद सामने है, सेबी कहता है कि सारा को पैसा देना है और सारा कहता है सेबी को हमें पैसा देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश में जब सुब्रत राय के खिलाफ हजारों FIR दर्ज हुई हो गई हैं, सुब्रत राय के खिलाफ 11 जमानती वारंट जारी हो गए हैं, और सुब्रत राय देखो पिछले दिनों जब गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव उनका निधन हो गया है, जो वो एडमिट थे वहाँ पर, तो सुब्रत राय वहाँ पर मौजूद थे और आपके जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ में बैठे हुए थे। ये कैसा देश का कानून है, एक आदमी के खिलाफ 11 जमानती वारंट जारी होता है, वो खुलेआम घूम रहा है और वो भी देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है, यदि आज सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है, निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण भी सुब्रत राय को प्राप्त है। काव्य, राजनीति हो रही है जैसा आप बता रहे हैं, और सेबी और सहारा का जो विवाद है उसके बीच में, मतलब जो वो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, निवेशक हैं, वो पिसने पर मजबूर हो गए हैं उनके बीच में। बिल्कुल काव्य, और मैं एजेंटों की, निवेशकों की बात ही नहीं कहूँगा कि सारा इंडिया में, सारा मीडिया में, और जो दूसरे तंत्र जो विभाग है सारा में, उनमें जो कर्मचारी हैं वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। आज जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके सारा को बुलंदी पर पहुंचाया, और सारा सुब्रत राय को एक तरह से राजा बनने का, जो आप देखना सुब्रत राय के जो रुतबे थे, एक वो राजा महाराजा वाले थे, मतलब एक तरह से सुब्रत राय को उसके परिवार को राजा और महाराजा वाला रुतबा जिन लोगों ने प्रदान कराने में अपने रात दिन खून पीसने की कमाई लगा दी और रात दिन मेहनत की, वो आज भुखमरी के कगार पर है और सुब्रत राय मजे मार रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में आज ऐसी स्थिति है कि यदि आप प्रभावशाली हैं और यदि आपके पास में पैसा है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुब्रत राय इसका बहुत बड़ा उदाहरण देश के सामने है। काव्य, आप जैसे बता रहे हैं काफ़ी समय से आप सहारा के एम्प्लॉय रहे, तो जब आप वहाँ पर काम करते थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपको ये दिन देखना पड़ेगा निवेशकों को और आपको? मैं बताऊँ आपसे कि 2007 में मेरी मीडिया के अलावा, पत्रकारिता के अलावा, एक समाज सेवा में बहुत बड़ी लोकप्रियता मैंने हासिल की थी, और मैं लगातार सुबह जो है 9-10 बजे उठता था और रात को 11-12 बजे, 2 बजे उसमें मेरी ड्यूटी 2 बजे तक होती थी। मैंने बहुत मेहनत करी, एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की। मैनेजमेंट ने उस लोकप्रियता को देखते हुए उससे जलन से मेरा ट्रांसफ़र पटना कर दिया, और वो समय वो था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अपना कि सारा में कैसे कर्मचारियों का उत्पीड़न शोषण होता था। उस समय जो मेरा बेटा, बड़ा बेटा है इस समय, तो वो लगभग 6-7 साल का था, उसे एक फिट की प्रॉब्लम थी और इतनी गंभीर प्रॉब्लम थी, यदि हम तत्काल रूप से उसे एडमिट न कराएं तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। छोटा बेटा मेरा 3 साल का था। उन विषम परिस्थितियों में मैं पटना गया और एक चैलेंज स्वीकार किया, मैंने वहाँ काम किया, लेकिन सारा मैनेजमेंट ने उस बेटे के डॉक्यूमेंट्स लगाने के बावजूद मेरा ट्रांसफ़र नहीं किया। और उसमें रणवीर सिंह ग्रुप एडर थे, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें तो नौकरी नहीं करूँगा। मतलब यहाँ तक कर्मचारियों से मैनेजमेंट दुश्मनी निकालता था। और तो ये तो एक उदाहरण है काव्य, मैंने देखा है कि मीडिया में उस समय पटना काला पानी के रूप में जो है प्रचारित कर दिया गया था मैनेजमेंट ने कि भाई किसी को यदि सजा देनी है, किसी का शोषण उत्पन्न करना, उसका पटना ट्रांसफ़र कर दो। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि सारा में एक डर का माहौल था, एक टेरर था मैनेजमेंट का, और सुब्रत राय जो देशभक्ति का दिखावा करते हैं, वो देशभक्ति जो है वो निवेशकों को लूटने के लिए थी और अपने कर्मचारियों को ठगने के लिए थी। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा अपना ये आकलन है कि जो देशभक्ति का लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं उसमें से वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को बुराते हैं। काव्य, ये जो राजनीति से उनका जुड़ा होना है, ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उनको इसके पीछे कोई सज़ा नहीं दी जा रही है। बिल्कुल काव्य भाई, यदि नहीं है तो सुब्रत राय की 6 साल से पैरोल पर है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में प्रश्न है।
यदि गैर जमानती वारंट जारी, गैर जमानती वारंट का मतलब ये है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, और सुब्रत राय तो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, सुब्रत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और सुब्रत राय यदि इतने बड़े आरोपी हैं, लाखों निवेशकों का पैसा उन पर उन्हें देना है, तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ कैसे घूम रहे हैं? और यदि आज सुब्रत राय जो है खुलेआम घूम रहे हैं, पूरा परिवार उन्होंने जो है विदेश में शिफ्ट कर दिया है, और ओपी श्रीवास्तव लगातार बाबा रामदेव के साथ देखे जा रहे हैं, और वो पैसा नहीं दे रहे, सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, तो क्यों नहीं सरकार जो शिकंजा सुब्रत राय पर कसती है? तो निश्चित रूप से ये जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, ये कहीं ना कहीं सरकारों को भी कटघरे में खड़ी कर रही है काफी। तो मैं आज उन साथियों से अपील करना चाहूँगा, साथियों हमने मीडिया की भी लड़ाई लड़ी थी, और आज यदि हम निवेशकों की एजेंडे की लड़ाई गेट पर लड़ेंगे, आइए आप लोग गेट के सामने 15 नवंबर को फिर मैनेजमेंट से दो हाथ होंगे साथियों। और सहारा की ये तमाम स्थिति हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा की और दिल्ली NCR की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV।